पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ा और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। गाइस, हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ लिया था। अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है ना, अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर हम बात करें सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, सपोज कोई सेट है हमारे पास ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। अगर हम इसका छोटे से छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना चाहते हैं ना, तो इसका जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा ना वो लिख दो 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो जो छोटे से छोटा जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप गाइज आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बाकी आगे हम दो क्वेश्चन और करेंगे, उनसे आपका और क्लियर हो जाएगा। अब बात करें हम इक्विवेलेंस क्लासेस की। सपोज गाइज ए हमारा कोई भी सेट है और हम इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस बनाना चाहते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस बनाने के लिए, इक्विवेलेंस क्लासेस नथिंग बट अनदर सेट। सपोज डेट सेट बी एक्स इज इक्वल टू एक्स के अंदर हम वे एलिमेंट्स लेंगे जो जिनमें से हम कोई भी एक्स में से अगर कोई भी एलिमेंट उठाएं और उनका ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, ऑर्डर्ड पेयर उठाकर कोई भी रिलेशन बनाएं आर, और वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो हम उस सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। तो अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं गाइज, जो हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है ए बी इज सच डैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए प्लस बी इज इवन। अगर हम बात करें इवन का मतलब जो वे नंबर जो दो से डिवाइड हो जाएं, वे इवन नंबर होते हैं। सपोज गाइस अगर कोई भी हमने लेट ए बी एन इंटीजर, तो अगर ए इंटीजर है, अगर हम ए प्लस ए करेंगे तो क्या होगा, दो ही, विच इज डिविजिबल बाय टू। अगर दो इंटीजर्स का जोड़ अगर टू से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, हमारे रिलेशन के अंदर आता है। अगर ए बिलोंग्स टू जेड है तो इसका मतलब क्या निकला कि जो ए है हमारा आर में बिलोंग करता है। अगर हम किसी भी आर्बिट्रेरी इंटीजर ए को लें और उसमें ए ही अगर ऐड करें, तो ए हमारा जो आर में आता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब गाइस बात करें, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए प्लस बी है इज इवन। अगर गाइस ए प्लस बी इवन है तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी प्लस इज इवन। व्हाई? बिकॉज एज वी नो डैट एडिशन इज अ क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। नाउ अगर बी प्लस ए इवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बी ए है वो आर से रिलेटेड है। इसका मतलब हम ए बी लेकर चले थे और हमने प्रूव क्या कर दिया, बी ए है वो आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रिलेशन वो अब क्या हो गया, वो सिमेट्रिक हो गया। अब बात करें हम ट्रांजिटिविटी की। अगर सपोज गाइस ए बी है वो जो हमारा वो आर से बिलोंग करता है, ए बी अगर आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी प्लस ए प्लस बी है वो मल्टीपल है टू का। और अगर हम बात करें बी प्लस सी की, अगर हम बात करें बी सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी प्लस सी है वो भी टू से डिवाइड होता है। अब हमें प्रूव करना कि जो ए प्लस सी है वो भी आर से डिवाइड होगा। कहीं जिन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, हमारा ए प्लस सी प्लस टू बी इज इक्वल टू टू एम प्लस एन। गाइज जो ये नंबर है टू बी, ये जो टू बी है ये टू से डिवाइड हो रहा है, और जो ये होल नंबर है ये भी हमारे टू से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए प्लस सी है ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ए प्लस सी को बी दो से डिवाइड होगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए प्लस सी है इज आल्सो इवन। अगर गाइज ए प्लस सी आल्सो इवन है तो ए सी है वो आर से बिलोंग करेगा। अगर ए सी आर से हम क्या लेके चले थे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और हम दिखा क्या दिया कि जो ए सी है वो भी आर से बिलोंग करता है, तो हैंस गाइज हमारा जो रिलेशन वो ट्रांजिटिव भी हुआ। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप गाइज आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। बेसिकली गाइज इस इक्विवेलेंस रिलेशन पे कोई राइटर दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक तो जिसमें दो ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन दे रखा हो और एक जिसमें दो नंबर्स का रिलेशन दे रखा हो। एक नंबर्स वाला टाइप हमने कर ली और हम बात करेंगे हम ऑर्डर्ड वाले टाइप की। अब इसमें है अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी तभी है जब ए प्लस डी बी प्लस सी, ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल हो। अरे गाइज हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए बी रिलेटेड टू ए बी। हमें ये प्रूव कर दें अगर ए बी रिलेटेड टू, अगर हम ए बी प्रूव कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, तो जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या गाइज हम क्या कह सकते हैं कि जो ए प्लस बी है वो बी प्लस ए के इक्वल कह सकते हैं। बी प्लस ए के इक्वल है, क्यों? बिकॉज एडिशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारी डेफिनेशन है रिलेशन की, इन्होंने इसने कह रखा है अगर सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स अगर सम ऑफ मिडिल टर्म्स के इक्वल है तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप की, वे हमारे रिलेशन के अंदर आएंगे। अगर ये प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी है वो रिलेटेड टू ए बी है। अगर ए बी टू रिलेटेड टू ए बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। आई होप गाइस आपको रिफ्लेक्सिविटी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी के लिए सपोज जो हमारा ए बी है जो वो रिलेटेड है सी डी से, ए बी रिलेटेड टू सी डी। अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस डी है जो वो बी प्लस सी के इक्वल है, ठीक है। और हमें ये सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि जो सी डी है रिलेटेड टू ए बी। हमें प्रूव ये करना गाइज सी डी रिलेटेड टू, इसका मतलब हमें प्रूव करना कि जो सी प्लस बी है वो डी प्लस ए के इक्वल है। क्या अगर ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल है, अगर ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल है इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो सी प्लस बी है जो इज इक्वल टू ए प्लस डी। क्या कि हमने सिर्फ जो ये वाला जो टर्म था वो इस साइड लिखा है और जो ये वाला टर्म है वो इस साइड लिखा है, ऐसे तो हम कर ही सकते ना गाइज। तो अब अगर ये प्रॉपर्टी और ये बात दोनों तो सेम हुई, अगर ये दोनों सेम हुई इसका मतलब क्या हुआ, जो सी डी है वो रिलेटेड टू ए बी हो गया। अगर सी डी रिलेटेड टू ए बी है तो इसका, और हम लेके क्या चले थे, ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो हमें हमारा रिजल्ट निकला कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब बात करेंगे इसे हम ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी के लिए हम सपोज ए बी है जो हमारा वो रिलेटेड है सी डी से, और जो सी डी है वो हमारा रिलेटेड है ई एफ से। अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो इसके हम ले सकते हैं कि ए प्लस डी है वो हमारा बी प्लस सी के इक्वल है, और अगर सी डी रिलेटेड टू ई एफ है तो इससे हम लिख सकते हैं कि सी प्लस एफ है जो हमारा वो डी प्लस ई के इक्वल है। आई होप गाइस आपको इतना समझ में आएगा। सपोज इट्स बी इक्वेशन वन एंड इट्स बी इक्वेशन टू, आफ्टर एडिंग वन एंड टू वी गेट वट, वी गेट ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। आई थिंक गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर डी प्लस सी इस साइड भी है और डी प्लस सी इस साइड भी है, क्या हम दोनों साइड से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ए प्लस एफ? बिल्कुल कर सकते हैं, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अगर ए प्लस एफ है जो वो बी प्लस ई के इक्वल है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो ए बी है वो रिलेटेड है ई एफ के, क्यों? क्योंकि ए प्लस एफ
बी प्लस ई के इक्वल हो गया सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ मिडिल टर्म्स, दैट्स वाई वी कैन से डैट नाउ ए एफ है जो वो रिलेटेड है ई एफ के, ए एफ सॉरी ए बी है वो रिलेटेड है ई एफ के। अगर ए बी रिलेटेड टू ई एफ हम लेके क्या चले थे, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, और हमने प्रूव क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि ए बी है जो वो हमारे रिलेटेड है ई एफ से, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। गाइस हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये रिलेशन दे रखा है इन्होंने वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।